इंची हुआ तो 34 इंची 2 सूता में से 11 इंची हो गया, तो वही होगा 23 इंची 2 सूता। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एल्युमिनियम सेंटर पॉइंट। आज हम आप लोग को बताएंगे एल्युमिनियम का डबल डोर कैसे बनता है और उसका साइज है 75 इंची 2 सूता बाई 34 इंची 2 सूता। हाय फ्रेंड्स, आपको हमारे YouTube चैनल में दोनों मेथड मिलेगा देखने के लिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी, इसलिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले पहले बनता है फ्रेम, तो वो चीज़ पहले हम बताएंगे फ्रेम कैसे बनता है। और एक चीज़ इस वीडियो से आप लोगों को सीखने का मिलेगा कि मान के चलिए कोई सामान का साइज कैसे निकाल लें। मान के चलिए कि ACP बोर्ड लगा, ग्लास लगा, हाइट और लेंथ का, हाइट का तो नहीं बता सकते हैं लेकिन लेंथ का एक चीज़ हम बता सकते हैं कि जैसे कि लेंथ में कितना लगता है, और हाइट का भी आप लोग चाहेंगे तो उसका भी साइज निकाल सकते हैं। तो हम तो आप लोग को यही बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइज तो आप लोग को पता है, ये वाला साइज है। तो सबसे पहले क्या बनता है, फ्रेम। तो फ्रेम बनाने के लिए पहले 75 इंची 2 सूता है, तो 75 इंची 2 सूता है तो हमारा फ्रेम का साइज है 75 इंची 2 सूता। और तो इसमें कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या है कि मान के चलिए ये जो हाइट है 75 इंची 2 सूता है, और ये साइज का हमारा 2 पीस काटना पड़ेगा, 75 इंची 2 सूता का 2 पीस। और जो लेंथ वाला है, ये वाला यहाँ का जो माथा पर लगता है इसका, तो इसको काटना पड़ेगा। तो इसमें ये सेक्शन जो है और हाइट 1.5 है, तो 1.5 इंची 1.5 इंची 3 इंची माइनस करना पड़ेगा। तो 34 इंची 2 सूता है माइनस 3 इंची, तो कितना हो जाएगा, 31 इंची 2 सूता। ये जो यहाँ का जो सेक्शन कटेगा 31 इंची 2 सूता का कटेगा, तब जाकर बाहर बाहर हमारा कितना हो जाएगा, 34 इंची 2 सूता। ये तो हम फ्रेम का बता दिया, अभी चौकट का जो होता है अब बताना है डोर का, फ्रेम का। ये वाला जो डोर हो जाएगा, ये तो हम आप लोग को पहले ही बता दिए कि डबल डोर का है। तो डबल डोर बनाने के लिए मान के चलिए ये जो सेक्शन लगता है, ये हो गया अरहाइडर, ये वाला हो गया वर्टिकल। वर्टिकल जो हो गया हमारा 2 इंची का होता है, तो वर्टिकल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर का जो लगा है, ये जो हाइट है 75 इंची 2 सूता, तो इसमें 2 इंची एक्यूरेट माइनस करना पड़ेगा। तब 2 इंची पूछिए आप लोग कैसे आता है, तो हम बताते हैं आप लोगों को कि 2 इंची जो ऊपर का सेक्शन जो है 1.5 इंची का है, और नीचे में जो है 0.5 इंची गैप देना पड़ेगा। तो 1.5 इंची और प्लस 0.5 इंची, ये हो गया हमारा 2 इंची का। तो इसलिए हमको 75 इंची 2 सूता में से 2 इंची माइनस करना पड़ेगा, तो 73 इंची 2 सूता। तो 73 इंची 2 सूता का जो हमारा ये वर्टिकल है, 1 2 3 4, 4 पीस वर्टिकल जो है हमारा 73 इंची 2 सूता के एक्यूरेट काटने से हो जाएगा। 1 2 3 4, ये तो हो गया सीधा सीधे आपका 4 पीस। तो इसमें मेन प्रॉब्लम यही होता है कि हम लोग का जो वर्टिकल काटने में यही प्रॉब्लम होता है, मेन प्रॉब्लम होता है जो टॉप मिडिल टॉप यही काटने में बेसिक प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए वही चीज हम आप लोग को पहले बताते हैं। तो अब चलिए हम बताते हैं लेंथ का, जो दरवाजा का है हमारा, जो हमारा जो लेंथ में लगेगा, चौड़ाई में जो लगेगा वही हम बताते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए ये हम डबल दरवाजा बता रहे हैं, सिंगल नहीं बता रहे हैं, डबल बता रहे हैं। तो 34 इंची 2 सूता है, तो एक चीज मिलेगी आप लोग, ये जो लेंथ काटे हैं हम लोग कितना काटे हैं, 31 इंची 2 सूता, 31 इंची 2 सूता है। ये जो वर्टिकल होता है 2 इंची का, ये एक्यूरेट 1 इंची 7 सूता होता है, एक्यूरेट 1 इंची 7 सूता। तो इसके लिए एक क्या करना पड़ेगा हमको, एक
दो तीन चार पीस है, तो मान के चलिए दो दो इंची पकड़िए सबको। किस लिए? दरवाजा के जो साइड है उसमें हम लोग फार लगाते हैं, तो 2, 4, 6, 8 पीस, तो 31 इंची, 2 सूता माइनस 8 इंची, तो इसको 8 इंची माइनस करने पर कितना आएगा? 23 इंची, 2 सूता, 23 इंची, 2 सूता। तो ये तो मान के चलिए इसको 50% हो गया। अब इसको डिवाइड करना है हमको 2 से, तो कितना होगा आप लोग बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। ये हो जाएगा हमारा 11 इंची, 5 सूता, 11 इंची, 5 सूता, मान के चलिए 11.5 हो गया। तो 11 दूना 22, आप 5 दूना 10, 11 दूना 22 इंच हो गया, और 5 दूना 10, 10 सूता हो गया, तो 8 सूता के 1 इंच होता है, तो 23 इंची, 2 सूता हो गया। तो हमारा जो टॉप हो गया, मिडिल हो गया, यहाँ पर टॉप भी लगा सकते हैं, ये टॉप हो गया, मिडिल हो गया, टॉप हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा कटेगा 11 इंची 5 सूता का। अब इसमें आप लोग डोर टॉप काटिए, 11 इंची 5 सूता का आपका 1, 2, 3, 4 पीस डोर मिडिल, 11 इंची 5 सूता का 2 पीस। हम जो दरवाजा बनाया है ये डोर टॉप दिए हैं दोनों साइड में, और जो बीच में है हम 2 इंची 2 इंची का मिडिल दिए हैं, यहाँ पर 3.5 इंची का भी मिडिल आता है। तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कितना इंची का लगाना चाहते हैं, 3.5 इंची या 2 इंची का, दोनों आता है, तो आप लोग का ये मिल जाए। है फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे यही कि जैसे कि दरवाजा कोई बनाते हैं आप लोग, तो मान के चलिए ये जो कहीं ले जाते हैं अगर बनाकर, तो पहले ये दोनों साइड है चौकट का, तो एक्यूरेट काट सकते हैं आप लोग। तो एक्यूरेट काटने के लिए जो साइज है आप लोग उस साइज को ही पहले काट लीजिएगा, जैसे 75 इंची 2 सूता है तो 75 इंची 2 सूता का ये काट लीजिएगा, और जो ये चौड़ाई का है 34 इंची 2 सूता, तो इसमें 3 इंची माइनस कर लीजिएगा आप लोग, तो हो जाएगा हमारा कितना 31 इंची 2 सूता का। तब ये बार बार हमारा फ्रेम का साइज हो गया 34 इंची 2 सूता। उसके बाद जो दरवाजा के लिए वर्टिकल का मटेरियल्स लगेगा, तो उसमें आप लोग 2 इंची माइनस कर सकते हैं या 1 इंची 7 सूता, हम तो 2 इंची माइनस करते हैं ताकि कोई टाइल्स हो गया चाहे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ज़्यादा दिकदारी ना करें। तो उसके बाद ये तो 4 पीस हो गया वर्टिकल, उसके बाद ये जो है आप लोग एक्यूरेट माइनस कीजिएगा 8 इंची, ताकि 2, 4, 6, 8, अगर आप लोग उससे भी ज़्यादा दिमाग लगाना चाहते हैं तो 3 इंची और माइनस कर लीजिएगा, तो 8, 3, 11 इंची एक्यूरेट माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तब हो जाएगा आप लोग का। तो वैसे भी हो जाएगा, आपको मान के चलिए 11 इंची एक्यूरेट हो गया, तो मान के चलिए 11 इंची हुआ, तो 34 इंची 2 सूता में से 11 इंची हो गया, तो वही होगा 23 इंची 2 सूता, तो 23 इंची 2 सूता को डिवाइड कीजिए 11, 2 से, तो 11 इंची 5 सूता। हाय फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा यूट्यूब चैनल पर आप लोग का दोनों मेथड मिलेगा देखने के लिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी, इसलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।